हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के और अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापकों को लेकर। तो प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों को जो है DDO के अधिकार का जो है शासन आदेश जारी। तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को जो है प्रभार देने का जो है शिक्षक कर रहे थे विरोध, तो यहाँ पर फाइनली जो है यहाँ पर उनको अधिकार दे दिया गया है। कहा है कि यहाँ पर जो है प्रदेश में उन विद्यालयों में जिनमें प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पद खाली हैं, उनके प्रभार जो है प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों का जो है आहरण वितरण का अधिकार दिया जाएगा, और शासन ने जो है इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में नहीं है मामला, तो मंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में अभी तक इनकी मामला नहीं था, फिर अनुमति नहीं मिली है, ऐसा बताया गया है। शिक्षकों को जो है DDO का जो है अधिकार दिए जाने पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का आभार और संगठन की भी कुछ अन्य मांगे हैं और उन पर भी जल्द अमल किया जाए, ऐसा यहाँ पर राम सिंह चौहान जो कि राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने, प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा है। तो प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को जो है आहरण वितरण का अधिकार यहाँ पर मिल चुका है, इसका ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर जारी हो चुका है। प्रदेश के कई विद्यालयों में बताया गया कि यहाँ पर प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पद लंबे समय से रिक्त चले हुए हैं, और साथ ही यहाँ पर देखते हैं कि NDA ने जो है नेता चुने गए मोदी, तो NDA ने नेता चुने हैं मोदी को, और 8 जून को जो है तीसरी बार जो है लेंगे PM पद की शपथ। तो PM पद की शपथ तीसरी बार लेने वाले हैं, और जिसमें यहाँ पर देखते हैं चुनाव फाइनल हो चुका है और उसका रिजल्ट घोषित भी हो चुका है। और नायडू और नीतीश जो है समेत जो है सहयोगी दलों के नेताओं ने जो है सौंपे शपथ पत्र, और पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे जा रहे हैं यहाँ पर निमंत्रण, और PM ने जो है इस्तीफा सौंपा, और 7वीं लोकसभा भंग कर दी गई है क्योंकि चुनाव समाप्त हो चुके थे, ऐसे में नया PM बनता है, तो ऐसे में यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया गया हुआ है। और वही बात करें यहाँ पर सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय 15 से जारी करेगा रिजल्ट। तो विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों को जो है 13 जुलाई से होगी जो कक्षाएं शुरू होनी है, और सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय 15 जून तक जो है वार्षिक पद्धति और सेमेस्टर परीक्षाओं का जो रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया गया है, और 14 केंद्र पर जो है उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य शुरू किया जा रहा है। प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को जो है मिले आहरण वितरण का चार्ज, तो यहाँ पर इनको चार्ज दे दिया गया है। अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद की ओर से जारी किया गया आदेश, और राजकीय शिक्षक संघ ने किया सरकार के फैसले का स्वागत, तो स्वागत भी कर दिया गया फैसले का। और वही बात करें यहाँ पर जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा का वादा खिलाफी का आरोप, और इसमें राजकीय शिक्षा सॉरी राजकीकरण नहीं होने पर जो है 21 जून से यहाँ पर हड़ताल, तो जल निगम में 21 जून से हड़ताल होनी है। सभी 543 संसदीय जो सीटें हैं उनका अंतिम परीक्षा परिणाम, जिसमें BJP को 240, कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को 29, ऐसे यहाँ पर द्रविड़ मुन्नेत्र कंगड़म का यहाँ पर 22 करपुर लिखा गया है, देखते हैं यहाँ पर। और भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, अब यहाँ पर जो मतलब पूर्ण जो मेजोरिटी नहीं थी, ऐसे में जो है यहाँ पर अब वो मेजोरिटी बना रहे हैं, बन गई है मतलब। और वहीं वहाँ पर नीट UG दून की मेधावियों ने जो है मारा मैदान, दून की मेधावियों ने जो है नीट UG परीक्षा में जो अपना परचम लहराया, और मोथरावाल निवासी जो सरकारी शिक्षक की बेटी वाटिका ने जो है नीट UG में 720 में से यहाँ पर 710 अंक यहाँ पर हासिल किए हैं। प्रियांशी नेथानी और जावेद अली संस्कृति सिंह समेत जो है कई छात्रों ने भी यहाँ पर सफलता हासिल किए हैं, और पिता करा रहे यहाँ पर IAS की तैयारी, बेटी ने नीट UG में की कामयाबी, और नीट में जो है उत्तराखंड के 12,422 छात्रों ने यहाँ पर जो अपना मुकाम हासिल पाया हुआ है। देखते हैं यहाँ पर टिहरी की जो बेटी आकांक्षा और यहाँ पर इसिका ने नीट में लहराया परचम, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बेटी सुमित ने पाया यहाँ पर मुकाम, और प्रियांशु नेगी ने किया क्षेत्र का नाम रोशन जो कि यहाँ पर बजरो का है, और आकांक्षा ने जो है 610 व इसिका ने जो है 620 अंक यहाँ पर हासिल किए हुए हैं। समर्थ पोर्टल से यहाँ पर 14 तक पंजीकरण, तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आप यहाँ पर 14 तक आवेदन कर सकते हैं, 14 जून तक इसके लिए समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मिनिस्टर कर्मचारी को जो है DDO के अधिकार देने का विरोध यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा करा गया है, शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी के द्वारा किया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण बिना नहीं दे पाएंगे 10वीं 12वीं की परीक्षा, तो यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और जो 12वीं वाले हैं संस्थागत और छात्र
छात्र हैं जो हैं वो ऑनलाइन पंजीकरण ना किए जाने को लेकर जो बताया गया कि वर्ष 2025-26 के बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और यह कहना उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा परिषद सचिव जो कि बीपी सिमल्टी का है, उन्होंने कहा कि पंजीकरण को लेकर जो है सभी सीओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में 9वीं और 11वीं में जो है छात्र छात्राओं का जो है विभाग ने पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया था, और जिसमें कुछ स्थानों पर जो है वो छात्र छात्राओं के नाम, पिता का नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि और विषय, जाति, माध्यम और दिव्यांगता आदि की जानकारी गलत दिखाई जा रही थी। तो अब यहाँ पर जो है इनमें कहा गया बिना पंजीकरण के नहीं होगा परीक्षा। और वहीं यहाँ पर चंपावत में जो छात्रों ने की डिग्री कॉलेज में तालाबंदी, कुलपति का जो है पुतला फूंका, तो कॉलेज में शिक्षकों की कमी और यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था ना होने पर जो है भड़के छात्र छात्राएं, और कहा कि यहाँ पर जो है जो शिक्षकों की कमी है उनको दूर किया जाए और जल्द ही यहाँ पर पेयजल और यहाँ पर जो अन्य सुविधाएं हैं वो दिया जाए, तब जाके कॉलेज खुलेगा। और वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की छात्रों ने से दूरी और संचार सेवा ठप और तंत्र लाचार। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर यूओयू प्रशासन ने लंबे समय से यहाँ पर नहीं भरा फोन का बिल और बंद चल रहा है यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर बताए गए हैं जो कि टोल फ्री नंबर होते हैं, ये सब जो है बंद पड़े हैं। और पुस्तकों और यहाँ पर प्रवेश को लेकर जो है छात्र कर रहे हैं परेशान, तो छात्र रह रहे यहाँ पर लेकर परेशानी हो रही छात्रों को। और वहीं यहाँ पर आईआईटी दिल्ली और यहाँ पर डीयू की क्यूएस वर्ल्ड रिकॉर्ड में बड़ी उछाल। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी दिल्ली को 47वां और दिल्ली विश्वविद्यालय को 79 पायदान यहाँ पर मिला हुआ है, जो कि यहाँ पर छलांग लगाई गई है। और आईआईटी दिल्ली यहाँ पर जो है शीर्ष 17 में 150 और डीयू जो है यहाँ पर 328 स्थान यहाँ पर हासिल किया है बताया गया है इतनी रैंक के। छात्रों के सैद्धांतिक और यहाँ प्रायोगिक अंकों में काफ़ी अंतर। सीबीएसई तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के सैद्धांतिक और प्रायोगिक अंकों में काफ़ी अंतर को देखते हुए संबंधित स्कूल को जो यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की जो समीक्षा करने का यहाँ पर निर्देश दिया है। और आसान परीक्षा व पंजीकरण में वृद्धि के कारण जो है बड़े नीट के टॉपर्स एनटीए, तो एनटीए ने कहा कि यहाँ पर आसान परीक्षा था, पंजीकरण में वृद्धि थी और इस वजह से यहाँ पर जो है टॉपर्स बढ़े बताया गया है। इस बार जो है 76 अभ्यर्थियों ने जो है हासिल की देश भर की पहली रैंक के, और इंटरनेट मीडिया पर जो है लगाए गए थे अनियमितताओं के आरोप, ऐसा भी कहा गया है। डीयू में जो है पीजी प्रवेश के पंजीकरण की अवधि यहाँ पर 12 जून तक बढ़ा दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश स्नातक कोर्स स्नातक पीजी में तो 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में भर्ती की शुरुआत फिर से, जो क्योंकि लोकसभा चुनाव आचार संहिता की वजह से भर्तियां नहीं हो पा रही थी, तो चुनाव आचार संहिता हट चुकी है, तो उत्तराखंड में अब यहाँ पर भर्तियां आएंगी। और इस योजना में जो पदोन्नति में मिलेगा स्थिरीकरण का लाभ, तो पदोन्नति भी होने वाले हैं और 3,600 पदों पर जो है शिक्षक भर्ती होंगी, जो 3,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती की जाएंगी और 1,000 से पदों पर जो है नर्सिंग अधिकारी की पोस्ट भर्ती ये करी जाएंगी। तबादला एक्ट के तहत जो है बम्पर तबादले होने वाले हैं, तो बम्पर तबादले अब आपके किए जाएंगे और खुलेंगी पिटारा। तो यहाँ पर देखते हैं आचार संहिता लगने के बाद 3600 प्राइमरी लेवल की शिक्षकों की भर्ती का रास्ता खुल जाएगा। प्रशासन में होंगे बदलाव, तो प्रशासन में बदलाव किया जाएगा। चुनाव निकाय, तो यहाँ पर आचार संहिता के कारण जो चुनाव निकाय नहीं हो पा रहे थे, तो वो भी अब यहाँ पर कर दिए जाएंगे जल्द। जॉब अलर्ट को लेकर बात करें, तो जॉब अलर्ट में देखते हैं तो दिल्ली में जारी किया है 222 पदों पर 20 पदों पर आवेदन, 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। BCAS में निकाले गए हैं 160 पद और IGCR में निकाले गए 91 पद और महानिदेशालय सीमा शिक्षा बल में 162 पद निकाले गए, 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी में 27 पद, सैनिक स्कूल अमेठी में 11 पद निकाले गए हैं और अन्य पद स्थगन पर भी ट्रैक कर सकते हैं।